अगली खबर में बात करते हैं बिहार की, जहां 41वीं राष्ट्रीय सब जूनियर शूटिंग बॉल बालक एवं बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें देश के 27 राज्यों के 718 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टी सिंह दोरजे, विशेष अतिथि सेकेंड इन कमांड विक्रम सिंह व ड्यूटी कमांडेंट वेंकटेश रमन मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी आनंदी कुमार, शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव रवीन्द्र तोमर, शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव विनय कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर खेल की शुरुआत की गई। उद्घाटन सत्र में बिहार बाल भवन किलकारी के बच्चों द्वारा स्वागत गान तथा मैथिली लोक नृत्य एवं कथक नृत्य और सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा बैंड मार्च द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर किलकारी के बच्चों द्वारा बिहार की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई, जिसे देख राज्य के खिलाड़ियों में एक अलग सी खुशी देखने को मिली। डीजे द्वारा अपने भाषण संबोधन में कहा गया कि आज सत्ता क्योंकि दुखियारी है, बिहार आए हैं, इन्हें देखकर हमें अपने बचपन की याद आती है और हम शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहां बुलाया एवं अच्छी व्यवस्था की। वहीं मौके पर महासचिव शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि बच्चों के खाने पीने में लेकर हम सभी चीजों का उचित प्रबंध किया गया है। आज बच्चे बिहार के लिट्टी चोखा एवं कई स्वादिष्ट व्यंजन का लुफ्त उठाएं। मंच संचालन शूटिंग वाले स्टेशन बिहार के उपाध्यक्ष अभिलाषा कुमारी द्वारा किया गया। इससे पहले सभी अतिथियों का स्वागत शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव विनय कुमार सिंह एवं जनमानस फाउंडेशन के सचिव विजय कुमार के द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान शानदार आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला एवं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। और इसी प्रकार शूटिंग बॉल फेडरेशन भी यूं ही आगे बढ़ता जाए, हमारे सभी खिलाड़ी भी यूं ही आगे बढ़ते जाए। जब तक हमारा तिलकोत्सव का कार्यक्रम जारी है, टी श्री डोरजे सर, सेक्रेटरी सर और साथ में जितने गणमान्य अतिथि हैं, सभी से मंच के नीचे आकर हम लोग फ्लैग होस्टिंग करेंगे।